आपके नीम का थाना प्रांगण जो महाविद्यालय आपका, इसमें आए हैं बहुत ही प्यारा सा संदेश लेकर, एक ऐसा संदेश जो आपको दर्शन करवाएगा, जो आपको सुशोभित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत क्यों ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में क्या होगा, इस पर सारी की सारी बातों से संबंधित हम आपके सामने लेकर आए बहुत ही प्यारी सी एक सुंदर प्रस्तुति, जिसका नाम रखा गया है स्वच्छता पर एक पहल, भारत मेरा देश सबसे पहले। तो देखते हैं नाटक का ये प्रथम भाग आप लोगों के बीच में आपके कैंपस में। प्रभुत्व जमाए हुए है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे देश की इकोनॉमी हो या फिर मूलभूत सुविधाएं हो। और अगर खेल जगत की बात करें तो राष्ट्र के नव निर्माण में मानव पंख लग गए हैं, हर तरफ विकास का रथ चल पड़ा है, ये चलानी चाहिए और हम सभी चाहते हैं कि ये अनंत तक चलता रहे। तो विकास में इस यात्रा में स्वच्छता एक मुख्य बिंदु है, कैसे है चलिए जानते हैं एक कार्यक्रम के माध्यम से। अरे भाई राजू, हाँ बदलाव हो रहा है देश में भाई, तेरी सब बात से बदलाव हो रहा है, लेकिन मेरे भाई हम हमारे मन में कैसे बदलाव करें? मन में कैसा बदलाव भाई? भाई इसके लिए जरूर चलना पड़ेगा नाटक में। बिल्कुल, हम सबने ये खाना है, नीम का खाना को स्वच्छ बनाना है, हम सबने ये खाना है, नीम का खाना को स्वच्छ। अरे रुक गया, हेलो, अरे हेलो भाई साहब, अरे नमस्कार, अरे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो भाई? बढ़िया बढ़िया। अरे यार आपका इतना कीमती सामान आप छोड़ के जा रहे हैं, ये ले जाओ। अरे भाई कीमती का है ये तो, कीमती सुनो, ये लो आपका पिज्जा 525 रुपए का है। अरे नहीं नहीं, ये आपकी लस्सी वस्सी कुछ लाए थे, ये 200 रुपए की लस्सी हो गई, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक। आपके कितने पैसे हो गए? 2000 रुपए आप यहाँ छोड़ के जा रहे हो? अरे भाई ये तो कचरा है, कचरा है भाई, बड़ी शर्म की बात है। मतलब जब आप लोग यहाँ पे आए थे तो बड़ी साफ सफाई देख रहे थे भाई, कहाँ सफाई है, कहाँ बैठे देख रहे थे ना आप लोग। मैडम जी का सड़क पर दुपट्टा गिर गया था, क्या आपका बताया? ऐसे ही मैडम जी ने दुपट्टा उठाया, उनका दुपट्टा वहाँ पर किसी ने पान की पीक थूक रखी थी, उसमें गंदा हो गया पूरा। तो तेरा मतलब ये है क्या मैंने थूका था क्या? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं, हो सकता आपका कोई भाई हो जिसने वहाँ थूक रखा हो, उसके बाद तो सुना क्या हुआ, मैडम जी ने वो दुपट्टा वहाँ से उठाया और पास के कूड़ेदान में डाल दिया। मैडम जी का नया कहना है दुपट्टा खराब हो गया भाई साहब, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अच्छा, बुरा मत मानो, आज सुबह से कोई मिला नहीं क्या ज्ञान देने के लिए? हाँ भाई साहब आओ, अरे आप आ, भाई 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 चल, एक बात और बता दूँ आपको, बताए सुन लो, हाँ सुना, सफाई की जिम्मेदारी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, ये मुझे गंदा ही न करे। अरे उसका रुपया करे ना कि रुपया भाई साहब, अरे कल ले जाएगा क्या घर में? अरे आओ, ये बातें ही बातों में आपका खराब है, खराब है। एक बार बता यार, तू पहले लेता था क्या? अरे कैसे पता, तुझे पैसे तो दे दो, पैसे तो ले, भाषण बहुत अच्छे देता है यार। धन्यवाद धन्यवाद। पहले अरे एक बार बता दे ना यार, आपको टॉयलेट है क्या? तुम ये खाने भाई साहब, ये रहा टॉयलेट क्या? अरे अरे यार कितनी बदबू आ रही है यार, कोई पानी भी नहीं डालता, कैसे लोग है यार? राम 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 राम, क्या है गंदगी मचा रखी है पूरे भारत में, काय का स्वच्छ भारत है? आप तो हाँ भाई साहब, आप कुछ बोल रहे हो? हमने सोचा अच्छा बड़ा कॉलेज है, थोड़ा मैसेज जाएगा सब लोगों तक जाएगा। और आप भाई साहब क्या गंदगी देख रहे थे? साहब मेरे तो शौचालय का हालत है ना, अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ पे नगर परिषद ने बनवाया था, अभी कुछ ही महीने पहले, लेकिन इसकी ये हालत हम ही ने कही है कुछ ही महीने पहले। भाई साहब ये कर्मचारी साफ सफाई क्यों नहीं करते? अरे भैया बहुत समझदार नहीं हो आप? अच्छा कर्मचारी जो हैं वो इसकी साफ सफाई जरूर करते हैं, बिल्कुल करते भी है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन भैया कर्मचारी साफ सफाई पूरे दिन में एक ही बार तो कर सकता है क्या? 24 घंटे कर्मचारी यहाँ बैठा रहेगा आपके लिए? और रही बात आपकी, आप तो जमीन भी आएंगे रजनीगंधा पान मसाला अपने मुंह में चबा के आएंगे, और साथ साथ शौचालय के साथ साथ अपने गले का ये पूरा माल मेटेरियल वहाँ थूक कर जाएंगे।
तो भाई साहब वापस ये जो हालत है ना हमारे सोशल मीडिया की, ये जो हालत है ये हम ही ने की हुई है, और ये केवल हमारे यहाँ का हाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर जगह का यही हाल है। बिल्कुल ये सही बात। तो मेरी बात सुनो भैया, अगर शौचालय का ये जो दृश्य है, ये जो शौचालय का हाल है, इसको अगर सही तरीके से करना है तो भैया एक वादा आपको अपने आप से करना है। क्या वादा भाई साहब? भाई साहब वादा ये करना है कि इसकी साफ सफाई का ध्यान हमें भी रखना है, क्योंकि ये बनाया गया है हम सबके लिए। बिल्कुल ये हमारे लिए बनाया गया है। बिल्कुल भाई साहब। और रही बात यहाँ पे सफाई की, तो भैया कर्मचारियों की सफाई की बात बिल्कुल सही है, लेकिन गंदगी हम वहाँ पर निरंतर करते रहेंगे तो कर्मचारी कब तक सफाई करते रहेंगे भाई? बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात समझ में आ गए। मैं आइंदा कोई भी सार्वजनिक जगह पब्लिक टॉयलेट जहाँ भी यूज करूँगा, मैं अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा और पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। और मेरे साथ साथ हमारे देश के जो युवा है, मेरे भाई बहन है, उन्हें भी मैं यही बताऊंगा कि भाई हमारे आसपास स्वच्छता रखे और उसका ख्याल रखे, तभी तो हमारा देश नंबर वन कहलाएगा। हम सब चीजों में आगे हैं। भैया मेरी बात सुनो, आपके पास एक बात याद आई, हम सब में नंबर वन बनने जा रहे हैं, हम जनसंख्या में नंबर वन बनने जा रहे हैं। एक और बात आपको नहीं पता होगा, एक और बात आपको नहीं पता होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज आपको नहीं पता चली तो आप कभी नहीं चलेगी। बताओ भाई साहब। हमारा देश युवा पीढ़ी, युवा जो जनसंख्या है किसी भी देश की सबसे ज्यादा वो थी तो चीन की थी, लेकिन अब भारत उसमें भी चीन को पछाड़ने वाला नंबर वन बन गया है। तो सफाई में क्यों पीछे है भाई साहब? भैया वो इसलिए पीछे है, वो इसलिए पीछे कि हमारा युवा अभी जागृत नहीं है, हमारे युवाओं को अभी जगाना बाकी है। बिल्कुल भाई साहब, हमारा युवा जाग चुका है। सब मेरे साथ बोलो, आज के बाद आप ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? सबने ये खाना है, हम सबने ये खाना है, नीम का खाना को स्वच्छ बनाना है, हम सबने ये खाना है, नीम का खाना को स्वच्छ बनाना है, हम सबने ये खाना है, हम केवल उसका उपयोग करना जानते हैं, उसकी साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देते। और भैया बात सुनिए, ये शौचालय बनाया है तो हमारे लिए बनाया है, हम क्या करते हैं उसमें जाते हैं और उसके साथ साथ उसको और कुछ लेकर आते हैं। वैसे भाई साहब ने भी मुंह में भर रखा है रजनीगंधा। नहीं अभी तो आप मिल रही है, इसलिए क्या करते हैं शौचालय में जाते हैं, वहाँ पे रजनीगंधा वहाँ पर फूक कर आते हैं। आप भाई साहब आप सोचो, ऐसे आप गंदगी करोगे तो कैसे बनेगा फिर हमारा देश साफ और स्वच्छ? लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम तो अपने शौक के लिए जी रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं का, देश के बच्चों का क्या होगा अगर आप ऐसे गंदगी फैलाएंगे तो? ये कहाँ जाएंगे और ये इनका भारत कैसा होगा, ये कैसे देख पाएंगे? बात तो सही बोल रहे हो भाई साहब। भाई साहब सुनो, शौचालय का उपयोग करना हमारा काम है, लेकिन उसकी साफ सफाई का ध्यान रखे। ये एक बार वहाँ की सफाई कर सकते हैं, 24 घंटे तो वहाँ रह नहीं सकते। तो भैया जितने भी सार्वजनिक स्थल है, शौचालय चाहे स्कूल का हो, ध्यान से सुनना बच्चों, शौचालय चाहे स्कूल का हो, सार्वजनिक हो, या कहीं पर भी आप उस शौचालय का उपयोग कर रहे हो, वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कोई गंदगी करता हुआ आपको दिखाई दे तो प्यारे बच्चों उनको टोक दो कि भैया यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पर कचरा फैलाना या गंदगी फैलाना आपका काम नहीं है। आपको जो भी खाने का शौक है बेशक आप खाएं, हमारे कहने से आप मानोगे भी नहीं, ठीक है? तो आप क्या करोगे उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो मैं साहब आपको विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि आप इधर आसपास में रहते हैं। बिल्कुल ये भाई साहब की बात मेरे समझ में आ गई है। आप लोगों से एक और हमारी गुजारिश है कि भैया अभी आप उपयोग करें तो आप उसका उपयोग करते समय
वहाँ पर अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। आप जो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तभी वो सूरत शौचालय अच्छे और ज्यादा दिनों तक अच्छी तरीके से साफ सफाई वहाँ पर रह पाएगी। नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो वहाँ साफ सफाई जरूर रखते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है की साफ सफाई का ध्यान हम भी रखें, क्योंकि वो हमारे लिए बना है, हम उसका उपयोग करते हैं, तो हमें उसकी साफ सफाई का ध्यान भी रखना है। ये सामने नगर परिषद जिनका थाना की ओर से शौचालय साफ और स्वच्छ रखने के लिए बनाया गया है। शौचालय आपका परिवार का हो या नगर परिषद का हो या किसी हॉस्पिटल का हो या कहीं रोड पर हो, आपको उसका उपयोग करना है, तो आप उसकी साफ और सफाई का ध्यान भी रखना होगा। सब्जी मंडी से उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने दुकान के पास ऐसे डस्टबिन रख ले, तो ताकि जो ये गंदगी यहाँ फैल रही है रोडों पर जो ना फैले और ना के बराबर हो, ताकि हमारी नीम का थाना सब्जी मंडी और सुंदर दिख सके और बेहतर बन सके। यही निवेदन भैया, अगर यहाँ की मंडी साफ और सुरक्षित रहेगी ना, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक यहाँ आएंगे और अच्छी अच्छी ताजा सब्जी खरीद कर लेकर जाएंगे, और तभी तो यहाँ के लोग स्वस्थ और स्वच्छ रह पाएंगे और मजबूत तरीके से बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो भैया हम सब ने ये ठाना है नीम का थाना मंडी एरिया को स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है नीम का थाना को स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है। और ग्राहक देवता, आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे नगर परिषद नीम का थाना की ओर से मैं आया हूँ, आप लोगों को समझाने कि आप ये गंदगी ना फैलाएं, आप स्वच्छ रहे, साफ रहे, क्योंकि नगर परिषद भी नीम का थाना यही चाहता है कि हमारे यहाँ के नीम का थाना निवासी बिल्कुल स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेगी।